और विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आज आपके साथ बीए प्रथम वर्ष का जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी जो प्रथम इकाई है कबीर दास, उनके ज्ञान विरह क्वांग से संबंधित जो शाखियाँ हैं उसको लेकर उपस्थित हूँ। इससे पूर्व हमने विद्यार्थियों विरह से संबंधित जो उनकी शाखियाँ हैं उन पर चर्चा की थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और ज्ञान विरह क्वांग के अंतर्गत जो शाखियाँ हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है उस पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर हम उपस्थित हैं। क्या कहते हैं ज्ञान विरह क्वांग में? ज्ञान और विरह यही दो मुख्य हथियार हैं कबीरदास जी के, जिनके द्वारा कोई भी जीवात्मा है वह परमात्मा का साक्षात्कार कर सकती है। तो वे अपने पदों में क्या कह रहे हैं देखिए, पहली साखी देखते हैं। कबीर कह रहे हैं कि हृदय भीतरी दो बले धुआं न प्रकट होई, ताके लागी सो लखे के जिही लाई सोई। हृदय हृदय दो बले, दो से मतलब दावाग्नि, बले से मतलब जलती है, और जाके लागी सो लखे या फिर के जिही लाई सोई, के का जिही का मतलब है जिसने, लाई जलाई है, सोई का मतलब वही। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर के प्रेमी के हृदय में विरह की जो दावाग्नि है वह जलती रहती है, और इस विचित्र आग से निकलने वाला जो धुआं है, धूम है, वह बाहर से दृष्टिगोचर नहीं होता, दिखाई देता नहीं है, और इस आग की जो प्रज्वलनशीलता है, इसकी जो तपन है, उसकी अनुभूति कौन करता है? या तो वह करता है जिसने इसे जलाया है, या वह करता है जिसके अंतःकरण में ये जल रही है। तो कबीरदास जी इसीलिए कहते हैं हृदय भीतरी दो बले, हृदय के अंदर विरह और ज्ञान की, ईश्वर के विरह की क्या जल रही है? दावाग्नि जल रही है, और उस दावाग्नि से निकलने वाला धुआं है वह बाहरी रूप से प्रकट होता नहीं, दिखाई देता नहीं है। जाके लागी सो लखे, उसे केवल वही देख सकता है, वही अनुभूत कर सकता है जिसके हृदय में अंतःकरण में वह लगी हुई है, या के जिही लाई सोई, या जिसने उसे लगाया है, जलाया है। तो इस प्रकार से व्यतिरेक और विभावना के द्वारा विरह की जो विचित्र आग है उसका चित्रण यहाँ पर कबीरदास जी ने किया है, जो कि अलौकिक होने के कारण अदृश्य और केवल अनुभूति गम्य है। उसका अनुभव ईश्वर या शिष्य दो को ही होता है, गुरु भी ईश्वर का ही रूप है, इसलिए वह भी इसका पूर्ण अनुभव रखता है। अगली शाखा की तरफ बढ़ते हैं। आगे कबीरदास जी कह रहे, आगे नीजू लागी नीर में कंदू जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। नीर से तात्पर्य पानी, कंदू, कंदू का तात्पर्य कीचड़, और झारी का अर्थ है ज्वाला से। कबीरदास जी कह रहे हैं अग्नि जो लागी नीर में कंदू जलिया झारी, पानी नीर में क्या लग गई है? आग लग गई है, और उस झारी ज्वाला से संपूर्ण जो कंदू है कीचड़ वह जल गया है। उत्तर दक्षिण के पंडिता, उत्तर और दक्षिण के जो पंडित हैं वे भी विचार कर रहे हैं, रहे विचारी विचारी, किंतु उन्हें उसका मर्म है, वो ज्ञात नहीं हो पा रहा है। इस साखी में कबीरदास जी ने उलट मासी शैली का प्रयोग किया है। यहाँ पर जो नीर है वो आत्मा का प्रतीक है। इस प्रतीक का निर्माण गुण धर्म के आधार पर उन्होंने किया है। आत्मा नीर की तरह शुद्ध और शीतल है, वह दैहिक दैविक भौतिक तापों के प्रभाव से अछूती है, और इस पर क्या होता है कि विषय वासनाओं का कीचड़ है ऊपर से मिल गया है, लग गया है। यह जो आवरण विक्षेप रूप है वो माया से लिप्त है, दृष्टिगत हमें होती है, और ज्ञान विरह की आग की ज्वाला में विषय वासनाओं का जो कीचड़ है वो जल जाता है। उत्तर और दक्षिण के पंडित हैं,
इस उलट बांसी के अर्थ को बहुत चिंतन करने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं, अर्थात पराजित हो जाते हैं। इस प्रकार से असंगति और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का विधान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कबीर इस तरह की उलट बांसियों के द्वारा पंडितों के ज्ञान को भी चुनौती देना चाहते हैं। और इस साखी में दो ही वैचित्र्य हैं, पहला यह है कि आग है पानी में लगती है, और दूसरा है जहाँ आग लगती है उसे छोड़कर कीचड़ को जलाती है। कीचड़ रहता भी मानस के अवचेतन में, अर्थात गहरे दूषित जो संस्कार हैं वे ज्ञान विरह की आग में जल जाते हैं। और यहीं पर कबीर हमें यह बात बताना चाह रहे हैं, स्पष्ट करना चाह रहे हैं। अब अगले साखी की तरफ चले। अहेड़ी दो लाइया मृग पुकारे रोई, जा बन में क्रीला करी दाजत है बंसोई। अहेड़ी, अहेड़ी से तात्पर्य शिकारी। यहाँ पर जो अहेड़ी है वो गुरु का प्रतीक है, और दो से तात्पर्य है विराग्नि। तो शिकारी जो गुरु है उसने वासना युक्त मनोदेहात्मक जंगल में क्या लगा दी है, ज्ञान विरह की आग लगा दी है। और वासना रूपी जो मृग हैं वे रो रो कर पुकार करने लगे हैं। मृग पुकारे रोई, क्या पुकार कर रहे हैं, जा वन में क्रीला करी, जिस वन में, कौन सा वन है, मानस वन, जिस अंतःकरण में हमने क्रीड़ा की है, हम खेले हैं, दाजत है बन सोई, वही आज आग से क्या हो रहा है, जल रहा है। तो इस प्रकार से ज्ञान विरह के प्रभाव को व्यंजित करने के लिए जलती हुई वन और उसमें पुकार करते हुए मृगों के सार्थक बिंब का यहाँ पर आश्रय लिया गया है। संपूर्ण साखी में हम यदि विद्यार्थियों देखें तो अन्योक्ति का जो विधान है हमें दिखाई देता है, और उसके साथ साथ कह सकते हैं प्रतीक शैली का प्रयोग भी इसे माना जा सकता है। अगली साखी की तरफ बढ़ते हैं। समंदर लागी आगी नदियाँ जली कोयला भई, समंदर लागी आगी नदियाँ जली कोयला भई, देखी कबीरा जागी मंची रूसा चढ़ी गई। समंदर, समंदर से तात्पर्य समुद्र, कोयला, कोयला, मंची से तात्पर्य मछलियाँ। कबीरदास जी कहते हैं कि विषयासक्त अंतःकरण रूपी जो सागर है हमारा, अंतःकरण रूपी सागर में किसकी आग लग गई है, दागी आगी, ज्ञान और विरह की आग लग गई है। समंदर लागी आगी, अर्थात हमारे अंतःकरण रूपी जो सागर है उसमें ज्ञान और विरह की क्या लगी, आग लग गई है। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, नदियाँ जली कोयला भई, नदियाँ जल कर कोयला नष्ट हो गई। तो क्या हो गया, फलतः जो विषय वासनाओं का सहवन करने वाली नदी रूपी इंद्रियाँ हैं वे जल कर क्या हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। इंद्रियों का कार्य व्यापार हो गया है। और देखी कबीर जागी मंची रूसा चढ़ी गई। कबीर ने जागृत होकर जाकर देखा कि जीवात्मा रूपी जो मछली है वह सहस्रार चक्र के वृक्ष पर चढ़ गई है। यदि हम इसकी विद्यार्थियों योग पर व्याख्या भी करें तो हम कह सकते हैं कि मूलाधार चक्र में जो स्थित कुंड है उसमें चंडाग्नि प्रज्वलित हो गई है, और ईड़ा पिंगला रूपी जो नदियां हैं उसका प्रवाह समाप्त हो गया है। कुंडलिनी शक्ति रूपी जो मछली है वह सहस्रार कमल में ऊर्ध्वगमित हो गई है। इस प्रकार से संपूर्ण पद में देखें तो रूप का अतिशयोक्ति अलंकार की योजना है हमें दिखाई देती है। अब विद्यार्थियों ज्ञान विरह को अंक के आगे यदि हम कबीर की साखियाँ देखें तो वह है पर्चा को अंक। पर्चा से तात्पर्य है परिचय। पर्चा को अंक के अंतर्गत कबीर की जो साखियाँ हैं उसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, पहली साखी की तरफ बढ़ते हैं। हदे छाड़ी बेहदी गया हुआ निरंतर वास, क
कवल ज फूलिया फूल बिना के निरसे निज दास।